सबसे पहले दोस्तों तो आप लोग ताली थाली बजाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 100 करोड़ लोगों का डेटा लीक हो गया है। क्या पता आपका भी डेटा लीक हो गया हो, आपका भी नाम शामिल हो, क्योंकि जिस हाथों में सुरक्षा हमने और आपने सौंपा था वो हाथ सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानता है। बाकी देश सुरक्षा आपकी सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ऐसा ही कुछ मामला है यहाँ पर दोस्तों। क्योंकि ध्यान से सुनिएगा ये खबर, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपको बताने जा रही हूँ। ये आपसे जुड़ी, देश से जुड़ी सुरक्षा की खबर है, आपके डेटा सुरक्षा की खबर है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने विदेशी धरती पर जाकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी। पहले जब उनकी सरकार नहीं थी तब वो कहा करते थे कि डेटा जो है पेट्रोलियम पदार्थों से भी ज़्यादा कीमती है, लेकिन आज डेटा ऐवे ही लीक हो रही है। 1-2 हज़ार नहीं, 5 हज़ार भी नहीं, 10 हज़ार भी नहीं, बल्कि 100 करोड़ लोगों का डेटा लीक हो गया है। जिसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है, किसके हाथों में है, इससे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि अगर आप सवाल पूछेंगे तो आप देश से गद्दार होंगे, देश से गद्दारी कर रहे होंगे। दोस्तों भारत सरकार के कोविन पोर्टल से डेटा लीक होने की खबर आ रही है। कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए भारतीय यूजर्स ने अपनी जो निजी जानकारी पोर्टल पर शेयर की थी वो टेलीग्राम ऐप पर उपलब्ध हो रही है। पूर्व और वर्तमान मंत्रियों से लेकर सीनियर पत्रकारों की निजी जानकारियां जैसे जन्म का साल, लिंग और वैक्सीनेशन सेंटर इत्यादि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण और उनकी पत्नी रितु खंडूरी, जो उत्तराखंड के कोटद्वार से विधायक है, वो भी इस डेटा लीक का शिकार हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, नेता विधायकों के भी डेटा लीक हो चुके हैं। केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले की जांच की बात कही गई है। अब इस मामले में किसकी जिम्मेदारी बनती है, कौन जिम्मेदारी उठाता है, ये तो भगवान ही जाने। क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि वैक्सीनेशन के लिए डिटेल्स भरते समय जो भी डेटा दिया गया था वो टेलीग्राम ऐप पर अब उपलब्ध है, जैसे कि पैन कार्ड से लेकर आधार कार्ड, पासपोर्ट जैसी तमाम जो गोपनीय जानकारी आपकी होती है वो सब कुछ अब टेलीग्राम पर मौजूद है। टेलीग्राम ऐप पर एक वॉट है, जी हाँ, ट्रू कॉलर। इसे ऑटोमेटिक वॉट पर कोविन ऐप में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करते ही सारे डिटेल अब सामने आ जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर यूजर ने अपने मोबाइल नंबर से परिवार के सदस्य या किसी और के लिए भी रजिस्ट्रेशन किया है तो उनकी भी जानकारी इसके जरिए लोगों तक पहुंच रही है। यानी कि आपका जो निजी, जी हाँ, आपका जो निजी पासपोर्ट था, पैन कार्ड था, आधार कार्ड था, वो अब सार्वजनिक हो गया है, वो अब सबके पास पहुंच गया है, अब सब आपके डिटेल्स देख रहे होंगे। इस पूरे मामले पर दोस्तों तृणमूल कांग्रेस के नेता साकेत गोखले ने भी ट्विटर पर कई सारे स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। शेयर करते हुए स्क्रीनशॉट्स में पार्टी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश समेत कई लोगों की निजी जानकारी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। इसके साथ ही कई वरिष्ठ पत्रकारों की जानकारियां भी इस ऐप पर देखने को मिल रही है। अगर बात करें कोविन ऐप पर तो इसमें लॉगिन करने के लिए ओटीपी की भी ज़रूरत नहीं हो रही है दोस्तों, बिना ओटीपी के ही लॉगिन किया जा रहा है और आपके पर्सनल डेटा लोगों के सामने सार्वजनिक हो रहे हैं। ऐसे में यूजर्स की निजी जानकारी को इस तरह सार्वजनिक होना हैरान कर देने वाला है। लेकिन अब इस पर सवाल पूछिएगा और सवाल पूछने के नाम पर अगर आप जिम्मेदारी, जी हाँ जिम्मेदारी किसकी है, तो सीधे आपको कहा जाएगा कि आप देश विरोधी हैं, डेटा ही तो लीक हुआ है, इससे क्या फर्क पड़ता है। अब आप सोचिए कि डेटा से क्या क्या फर्क पड़ सकता है, कैसे कैसे डेटा का मिसयूज हो सकता है। लेकिन अफसोस की बात, ऐसे सवाल हमारे देश में नहीं किए जाते हैं। अगर करिएगा तो आप देश के साथ गद्दारी कर रहे होंगे, ऐसे ही बात आजकल जो है देखने को मिलती है। अगर कोई किसी ने मोदी सरकार को गलत कह दिया, गलत करार कर दिया, तो फिर आप देखिए आपकी खैर नहीं है। तो इसलिए अपनी जिम्मेदारी अपने ही पास रखिए, क्योंकि आपने जो देश सुरक्षा की जिम्मेदारी बड़े बड़े नेताओं के हाथ में दिया था, बड़े बड़े मंत्रियों के हाथ में दिया था, और बड़े बड़े मंत्री बड़े ताव के साथ कह रहे थे कि हम जो है देश सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे हाथों में देश सुरक्षित है, इससे किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सरकार की तरफ से कोविन ऐप बनाया गया था उसका ही डेटा लीक कर दिया गया है, वो डेटा ही सार्वजनिक हो गया है। अब बजाइए ताली और बजाइए थाली, क्योंकि देश सुरक्षित हाथों में है।
दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।